नमस्कार, आज है श्यार मास 2024 और दिन सोमवार। चलिए देखते हैं देश भर की फटाफट 50 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आखिरी कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया संकेत, जल्द ही मिलेंगे, 5 साल की योजनाओं को लेकर किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक ली। इसमें 7 बार पर उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं। अगले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सरकारी सूत्रों की माने तो एक दिवसीय बैठक के दौरान सरकार ने नई गठन होने के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों को लेकर एक योजना बनाई है। यानी जब से दूसरी बार मोदी की सरकार अगली बार बनेगी, तब से मोदी सरकार किन कामों का विस्तार विमर्श करेगी और सरकार बनते ही किन नए एक्शन प्लान में देखने को मिलेगी, इसको लेकर 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। मोदी ने यहां तक मंत्रियों से कहा है कि वे चुनाव प्रसार के दौरान लोगों के बीच में जाएं और सरकार द्वारा विकास और लोगों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका जिक्र होना चाहिए। साथ ही उन्होंने विकसित भारत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 साल का रोड मैप बना दिया है जो कि तैयारी का परिणाम दे रहा है। पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन जो बैठक देर रात 3 मार्च को हुई है ये एक बड़ी बैठक है। ये करीबन अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हुई है और चुनाव आयोग अगले 15 दिनों के भीतर कभी भी आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, यानी जो पिछली बार वोट मिले थे उससे 370 वोट ज्यादा मिलने सही है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं देश की एक और बड़ी खबर। विदेश से आ रही है पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर उगला जहर। शहबाज शरीफ को रविवार को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पीएम सुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर राग अलापा है। शहबाज ने अपने संबोधन में कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों के लिए आजादी की वकालत की है। हालांकि उन्होंने इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मारे जा रहे फिलिस्तीन के लोगों पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, उनकी सरकार दोस्तों की संख्या बढ़ाएगी, हम समानता के आधार पर पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखेंगे। खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से उन्होंने जहर उगल दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया एक मोबाइल ऐप, लोगों के काम आएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने एक हज दिशा निर्देश 2024 जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हज सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि हाजियों के लिए सुविधाएं सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इसके लिए कई विभागों से समन्वय किया है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा। नशीले पदार्थों के लिए प्रति मोदी सरकार के सख्त रवैये पर बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा है कि हमारा देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नशीली पदार्थों का पता लगाने और नशीली पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने में जुट गया है और नशे की लत के शिकार लोगों का पुनर्वास करते हुए दोषियों को हिरासत में लेने का काम हमारी सरकार करेगी। अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर हैशटैग लगाते हुए कहा है कि एक साथ वीडियो शेयर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में नार्को व्यवहार के प्रति मोदी सरकार के कुर रवैये को प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। इसके कारण गिरफ्तारियां और बरामदगी की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी अगले 10 दिनों के भीतर 12 राज्यों में करेंगे दौरा, 29 प्रोग्राम में होंगे शामिल। तेलंगाना और तमिलनाडु में आज कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करके 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद मिशन मोड में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अगले 10 दिनों के भीतर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। इसी दौरान वे बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी दौरान वे तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी और अरुणाचल प्रदेश, असम और दिल्ली का दौरा करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूपी में बदलेंगे सियासी समीकरण, भाजपा रालोद हुए एक। दरअसल यूपी प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है, एनडीए का चुनावी सफर आसान हो गया है। रालोद जिलाध्यक्ष ने आपको बता दें कि एनडीए और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, जिससे एक बार फिर से यहां पर
बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से काफी तौर पर कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। एनडीए का चुनावी सफर भी आसान हो गया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, गांधी मैदान में तेजस्वी बोले नीतीश पलटी मार, 25 मिनट के भीतर बोले लालू, कहा मोदी हिंदू नहीं है, मां की मौत पर दाढ़ी और बाल क्यों नहीं बनवाया। दरअसल पटना के गांधी मैदान में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के निशाने साधे हैं। बारिश के बीच महा गठबंधन के कार्यकर्ता डटे रहे। लालू ने 25 मिनट का भाषण दिया, इसमें साफ तौर पर उन्होंने मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, मां की मौत पर भी दाढ़ी और बाल क्यों नहीं बनवाया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दरअसल मौसम अलर्ट को लेकर है। जम्मू में लैंड स्लाइड, महिला और तीन बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बारिश में तीन की गई जान। हरियाणा और पंजाब और एमपी में गिरे ओले। जम्मू कश्मीर में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसके कारण जगह जगह लैंड स्लाइड और एवलांस की घटना हो रही है। जम्मू के रियासी में एक कच्चा मकान लैंड स्लाइड के कारण ढह गया है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब और एमपी में पिछले 24 घंटों के दौरान ओले गिरे हैं। साथ ही यूपी में आंधी बारिश की वजह से तीन की जान चली गई है। और पिछले दिनों राजस्थान के अंदर भी बिजली गिरने से राजस्थान के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मोदी बोले जीत कर आइए, जल्द ही मिलेंगे, 5 साल की योजनाओं का लिया रिव्यू। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार देर शाम तक कैबिनेट की मीटिंग हुई। मोदी कैबिनेट की इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं और विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 को विकसित करने के लिए भी उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है। वहीं देश के विदेश की अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पहली ही स्पीच में जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अस्यूब ने 92 सांसदों ने वोट किया है। पीएम सुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के दूसरी बार बने प्रधानमंत्री की एक बार फिर से जुबान फिसली है। पहली ही स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे लोग, कंपनी ने यूपीआई सर्विस शुरू कर दी। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर मिलेंगे 25 रुपए का डिस्काउंट। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है। यूजर्स अब फ्लिपकार्ट से भी सीधा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सरकार बोली गूगल को एप्स हटाने की इजाजत कौन दे सकता है, कंपनी के अफसरों की मीटिंग बुलाई। एक दिन पहले प्ले स्टोर से 10 ऐप हटाए गए थे लेकिन सरकार ने वापस करवा दिए। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गूगल प्ले स्टोर ने हटाए गए 10 भारतीय कंपनियों के ऐप को फिर से रीस्टोर कर दिया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने किया किसानों के लिए बड़ा ऐलान, लॉन्च किया सरकारी पोर्टल। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच अमित शाह ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों के लिए बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमित शाह ने ऐप लॉन्च किया है। पंजीकृत किसान अब इस ऐप के माध्यम से पोर्टल की लॉन्च के बाद अमित शाह ने कहा है कि बुआई कार्य से पहले तुअर किसान अपने उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी NEC पर के बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, अरेस्ट वारंट निकलवाओ, मुझे न्याय चाहिए, 40 करोड़ की थी जमीन लेकिन पुलिस वालों ने 4 करोड़ में बेच दी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अधिवक्ता का घर सौ पहुंचा तो पत्नी उससे लिपट कर बिलख पड़ी और इसी बीच उसने कहा कि अरेस्ट वारंट निकलवाओ, मुझे न्याय चाहिए, 40 करोड़ रुपए की जमीन को 4 करोड़ में क्यों पुलिस ने बेचा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है उल्लू ऐप, NPCR ने सूचना मंत्रालय को पत्र लिखकर की कार्यवाही की मांग। दरअसल एक ऐप है जो बच्चों पर गलत नजर डाल रहा है, उल्लू ऐप के माध्यम से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। NCPR ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय को पत्र लेकर इस ऐप्स को निलंबित करवाने की मांग की है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार का बजट आज होगा पेश, अवधारणा और राम राज्य की अवधारणा पर होगा बजट पेश, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की झलक दिखाई देने की संभावना।
दरअसल दिल्ली सरकार का बजट यानी देश की राजधानी का बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट रामराज्य की अवधारणा पर होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में आगामी लोकसभा और अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक दिखाई देने की उम्मीद है। लिहाजा केजरीवाल आज 10वें बजट में घोषणाओं की झड़ी दिखा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने हिंदू वोट बैंक में अपने बजट के माध्यम से सेंधने की तैयारी की है। इसके लिए वो फ्री बिजली, साथ ही फ्री पानी, फ्री दवाई को लेकर भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 को देश भर में रेल रोको आंदोलन, सामने आई नई रणनीति। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है, किसानों ने अपनी रणनीति बदल ली है, दिल्ली जाने का नया प्लान तैयार कर दिया है। पंजाब के बठिंडा जिले के गांव बल्लों में युवा किसान सुभगण सिंह का वोग समांग रविवार को हुआ है। साथ ही किसानों ने इसी दौरान बड़ा ऐलान किया। किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, साथ ही 10 मार्च को देश भर में रेल रोको आंदोलन अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही देश की एक और बड़ी खबर, भारत को दबंग कहने पर विदेश मंत्री की तीखी प्रतिक्रिया, का दबंग 4.3 अरब डॉलर की मदद नहीं करते। इस तरह की बातें करने से पहले हकीकत देखें। आप लोगों को देखना सही है कि भारत मौजूदा समय में अपने पड़ोसी देशों के लिए क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को दबंग कहने पर विदेश मंत्री ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया का बयान देते हुए कहा कि दबंग 4.3 अरब डॉलर की मदद नहीं करते हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव का अभियान शुरुआत, कई राज्यों में सीटों पर बंटवारे की चुनौती बरकरार। इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कई राज्यों में सीटों पर बंटवारे की चुनौती बरकरार बनी हुई है। गठबंधन को लेकर चुनावी अभियान शुरू हो गया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, नमो ऐप के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी फंड में दिया संदा, मात्र 2000 रुपए दिए। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संदा अभियान ऐप में अपना योगदान दिया है। पीएम ने नमो ऐप के जरिए 2000 रुपए का यह संदा दिया है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, दंगों में नुकसान पर धामी सरकार का होगा सख्त एक्शन, वसूली के लिए बनेगा सख्त कानून। दरअसल दंगा हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए बड़ी खबर है, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का कानून अब आज प्रस्तावित बैठक में सामने आ रहा है। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, युवाओं पर आफत बनेगी बीमारियां, 40 साल में ही छोड़नी पड़ेगी नौकरी, अब तक 60 वर्ष में होते हैं रिटायरमेंट, युवाओं का यह रोग होने वाला है, तबाही मसाने वाला है, 20 से होने लगेंगे परेशान। दरअसल अब तक ये मान्यता रही है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तो वो काम नहीं करता, लेकिन भविष्य में इसके लिए एकदम उल्टा होने वाला है। ब्रिटिश एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि 40 साल के बाद युवा काम नहीं कर पाएंगे, कामकाज छोड़ देंगे, ये कामकाज पड़ाव में कामकाज छोड़ेंगे, ये कामकाज अपने मन से नहीं बल्कि बीमारियों के कारण छोड़ना होगा। अध्ययन के दावों के मुताबिक 40 साल के आसपास व्यक्ति मानसिक रूप से इतने बीमार हो जाएंगे कि उन्हें नौकरी छोड़ने पड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। देश की और एक और बड़ी खबर, भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है पाकिस्तान, नई दिल्ली में फिर मनाएगा नेशनल डे। पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला साफ हो गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान के में नया प्रधानमंत्री भी आ गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, नई दिल्ली में इसके लिए नेशनल डे भी मनाया जाएगा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, सियार धाम यात्रा पर पड़ेगी महंगाई की मार, केदारनाथ हेली सेवा का 5% बढ़ेगा किराया, सरकार ने दी मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने अब कुदा देगी सियार धाम यात्रा 2024 पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने 5% किराया बढ़ा दिया है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल आपको बता दें कि नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, जिसका इंतजार था वो दिन आज छा गया है। कोलकाता के लोग काफी वक्त से नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए अब पीएम मोदी आज उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, 4 मार्च को सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का आज भाग्य, मेष से लेकर मीन राशि तक क्या हाल है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र में आज नजर डालते हैं 12 राशियों का वर्णन पर, उसमें बता दें कि खास बात मेष और वृषभ राशि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। मेष की बात करें तो मेष राशि वालों को अचानक से काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि आज का दिन मिला जुला असर देने वाला है। कर्क राशि में आर्थिक मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि वालों को रिश्तों की गलत फहमियों को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। कन्या राशि वालों को आज आपका दिन सामान्य रहेगा,
तुला राशि वालों के लिए आज तुला राशि वालों को कड़ी मेहनत रंग लगने वाली है। करियर में नई उपलब्धियां भी मिल सकती है। साथ ही वृश्चिक राशि की बात करें तो जीवन में सुनोगी आज बढ़ सकती है। धनु राशि की बात करें तो आपको बता दें कि ऑफिस पॉलिटिक्स से लेकर दूर रहना होगा क्योंकि इसके कारण झगड़ा भी हो सकता है। मकर राशि की बात करें तो आज का दिन इनके लिए सामान्य रहेगा। कुंभ राशि आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। ये थी देश की आज की 50 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।